हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीइंग हेल्दी, मैं रोहित आपके साथ। तो काफ़ी लंबे समय से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी, तो आज हम कुछ हट के बात करेंगे। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रयोग बताऊंगा, एक रेमेडी बताऊंगा। तो ये लोग जिनका टीपी का कोर्स पूरा सक्सेसफुली हो चुका है, वो लोग इस प्रयोग रेमेडी को कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, रिलैप्स के जो चांसेस होते हैं टीबी के, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। तो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको सबको पता होगा, टीबी एक ऐसी बीमारी, इसकी अच्छी बात ये है कि ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है अगर आप कोर्स को पूरा करते हैं, दवाई मिस नहीं करते हैं, जैसे आपके डॉक्टर ने बताया था। तो ये जो टीबी है, ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो बीमारी तो ठीक हो जाती है, लेकिन सबसे इसकी जो बेकारी है वो है रिलैप्स की। जैसे कुछ पेशेंट में 100 में से 10 पेशेंट ऐसे निकल के आते हैं जो सक्सेसफुली, जिनका कोर्स तो पूरा हो जाता है, वो लोग दवा भी मिस नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद उनका आगे चल के शायद 1 साल, कई साल बाद, 5 साल 10 साल, कुछ लोगों का 20 से 25 साल बाद जो टीबी है वो रिलैप्स हो जाता है। रिलैप्स मतलब ये होता है कि दोबारा आपको हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है, इसको लेकर मैंने वीडियो बना रखा है, उसको आप जाके देखना। फिर भी शॉर्ट में बताऊंगा कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, थोड़े से लापरवाह होते हैं, वो दवा को बीच में छोड़ देते हैं या उस तरीके से नहीं खाते जैसे उनको बताया जाता है, वो अपना दिमाग लगाने लगते हैं। तो इसके चलते ये होता है कि रिलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या कुछ केसेस में ऐसा भी देखा जाता है, जब मरीज़ जब दवा खाता है, तो जब कोर्स उसका पूरा हो जाता है, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो जिंदा ही रह जाते हैं, जो टेस्ट में पकड़ में नहीं आते। तो जब आपको कोर्स पूरा हो जाएगा, उसके बाद एक पोस्ट टेस्ट होता है जिसमें दोबारा आपका बलगम को चेक किया जाता है कि उसमें बैक्टीरिया है या नहीं है। तो ज़्यादातर केसेस में जो टेस्ट का रिजल्ट आता है वो नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, जिसके बाद दवा आपकी बंद हो जाती है। तो कुछ पेशेंट में क्या होता है, थोड़े बैक्टीरिया बच जाते हैं, और आगे चल के जब आपका इम्यून सिस्टम डाउन होगा, या आपको अगर पहले से कोई बीमारी है, तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है, ठीक है, कि ये जो बैक्टीरिया हैं दोबारा से ज़िंदा हो जाते हैं, फिर से ग्रो करते हैं, और आपको दोबारा से टीबी हो जाती है। तो अगर आपको एक बार टीबी हो जाती है, तो ऐसा देखा जाता है जो मरीज़ है, वो पूरी ज़िंदगी भर उसको इस डर के साथ जीना होता है कि कहीं दोबारा टीबी ना हो। तो इसकी चिंता एंग्जाइटी होती है, ठीक है, फियर होता है, टेंशन होती है। और आगे चल के जब भी आपको टीबी से जुड़े जब भी लक्षण देखने को मिलेंगे, जो भी आपको महसूस हुए थे जब आपको टीबी हुआ था, उसी टाइप के सिमिलर लक्षण अगर आपको आगे चल के दिखते हैं, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आती ज़रूर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि टीबी दोबारा तो नहीं हो गई। कुछ लोग का ये शक होता है, कुछ लोग को वाकई में दोबारा टीबी हो जाती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करें, तो बहुत ही सिंपल सा प्रयोग मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, और ये प्रूवन है, यानी कि जो लोग ने इनको किया है, इस प्रयोग को, उनको फ़ायदा हुआ है। तो ये मैं कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हो, कहीं आपको नहीं जाना। जो मैं आपको प्रयोग बताऊँगा, ये घर में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना, कोई हकीम के पास नहीं जाना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको बेसिकली क्या करना होगा, सुबह आपको जल्दी उठना है, ठीक है, सुबह आपको जल्दी उठना है। जैसे सुबह आप उठेंगे, आपको चाय नहीं पीनी है। लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, सबसे पहले चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, ये सब आपको कुछ नहीं पीना है। आपको क्या करना है, जैसे आप सुबह उठेंगे, आपको लहसुन की 3 कली, 2 से 3 कली से ज़्यादा आपको नहीं खाना है, चीज़ का आपको ध्यान रखना, नहीं तो नुकसान करेगा। 2 से 3 कली आपको छील के कच्चा आपको चबा चबा के इसे खाना है, आपको डायरेक्ट निगलना नहीं है। थोड़ा सा आपको खाने में प्रॉब्लम होगा शुरुआत में, 1 हफ्ते 2 हफ्ते आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि क्या आपने खा लिया, ठीक है। कुछ लोग अचार के फॉर्म में खाते हैं, तो वैसे आपको नहीं खाना। अब कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे, भाई हम तो सब्जी में डाल के लहसुन खाते हैं, नॉनवेज में डालते हैं, तो हम क्यों खाएं, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए, जब आप सब्जी में डालते हो, नॉनवेज में डालते हो, तो वो जो होता है, भून दिया जाता है उसको, तो उससे क्या होता है, जो उसके न्यूट्रेंट होते हैं या जो उसका मेडिसिन प्रॉपर्टीज होती है, वो जल जाती है। देखिए, जो लहसुन है, अगर आप आयुर्वेद को उठा के देखेंगे, आयुर्वेद में साफ साफ लिखा है कि जो लहसुन होता है, इसमें कई तरह की मेडिसिन प्रॉपर्टीज होती है, और इसको खाने से कई जो बीमारी होती है उसमें आपको लाभ मिलता है। जैसे कि अगर जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, जिन लोगों का खून मोटा हो जाता है, उसको पतला करता है, किडनी को साफ़ करता है, पेट से जुड़ी जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, ठीक है, कब्ज रहता है, उनको साफ़ करता है, ठीक है, और भी जो जॉइंट्स की हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, उसमें जो है ये काम करता है, अच्छी मदद करता है। तो बहुत सारे रोग है जिसमें लहसुन आपका जो है मदद करता है, यहाँ तक कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कफ रहता है, बलगम अक्सर बना रहता है, उसको भी ये साफ़ करता है। तो कई तरह की बीमारियाँ ये पूरी तरह से आपकी ठीक करता है। इन सारी बीमारी के अलावा सबसे जो बेस्ट इसकी जो मेडिसिन प्रॉपर्टी है, कि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियन प्रॉपर्टी है। एंटी बैक्टीरियन प्रॉपर्टी ये मतलब ये होता है कि आपके बॉडी में जो भी जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु अगर आपके बॉडी में है, तो अगर आप लहसुन का लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, 2 महीना 3 महीना, तो जो भी बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स आपकी बॉडी में अगर हैं, तो ये पूरी तरह से
जो लहसुन होता है उसे नष्ट कर देता है। जैसे कि आपको पता होगा जो टीबी होती है एक बैक्टीरिया से होती है और इस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो बैक्टीरिया होता है हवा में आता है, फिर हवा से इंसानों के अंदर जाता है, फेफड़ों में ये ग्रो करता है। तो खुदा न खास्ता अगर किसी पेशेंट में एक भी बैक्टीरिया जिंदा रह जाता है तो रिलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, आगे चल के दोबारा ये ग्रो कर सकता है। तो ऐसे में जब आपको कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद अगर आप इसे नियमित तौर पर 2 से 3 महीने तक, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह आपको चबा चबा के खाना है इसको और उसके बाद आपको पानी पी जाना है 1 गिलास, ठीक है। और पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, जो नॉर्मल आपका टैप वाटर होता है वो आपको पीछे से पी जाना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि 2 से 3 कली से ज़्यादा आपको जो है लहसुन नहीं खाना, क्योंकि जो लहसुन होता है इसकी जो तासीर होती है बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और एक चीज़ और कहूँगा, ये जो प्रयोग है जिन लोगों का कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद करना है, कोर्स के बीच में नहीं करना, क्योंकि जो दवा आप खा रहे हैं टीबी की ये पहले से बहुत ज़्यादा गर्म है, ऊपर से अगर आप लहसुन भी खाने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, आपको इंतज़ार करना है कि आपका कोर्स पूरा हो जाए, कोर्स पूरा होने के बाद आपको इस प्रयोग को स्टार्ट करना है। कब तक आपको करना है? 2 से 3 महीने तक आपको इस प्रयोग को करना है। 2 से 3 महीने बाद अगर आपको फ़ायदा देखने को मिलता है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आपको इस प्रयोग को वहाँ पर स्टॉप कर देना है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है, देखिए जो लहसुन होता है ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोगों को लहसुन यूज़ नहीं करना है, ठीक है। फिर भी अगर आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं तो छोटा सा आप इसमें और एक प्रयोग ऐड कर सकते हैं। आप लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, जो कली होती है कली को पहले आप छील लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े करके शहद में आप मिला के इसे आप बोतल में रख लीजिए। बोतल में रखने के बाद रोज़ सुबह जैसे आप उठते हैं तो 1 चम्मच आप इसे चपा चपा के खा के, ठीक है, पीछे से आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे करेंगे तो अगर आपको एसिडिटी भी होती है तो भी ये आपको पूरी तरह से फ़ायदा देगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जिन लोगों को पेट से जुड़ी प्रॉब्लम है, खास तौर पे लीवर पे है, ठीक है, जिन लोगों का लीवर सही नहीं है पहले से, उसमें कोई बीमारी, तो उन लोग को भी ये लहसुन वाला उपाय नहीं करना, क्योंकि अगर जिन लोगों को लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम है ऊपर से वो लोग अगर लहसुन वाला प्रयोग करेंगे, क्योंकि लहसुन गर्म होता है, तो ऐसे में फ़ायदे के बजाय ये आपको नुकसान देना शुरू कर देगा। तो अगर आपको लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम है तो आपको इस प्रयोग को नहीं करना है। तो ये था छोटा सा उपाय, इस उपाय को हर कोई कर सकता है जिनका टीबी का कोर्स पूरा हो चुका है। बहुत ही सिंपल उपाय है, आपको कहीं नहीं जाना, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना, कोई पैसा आपको नहीं खर्च करना, कोई दवा नहीं खर्च करनी, हर घर के किचन में आपको लहसुन मिल जाएगा। लेकिन खाने का जो विधि है आपको इसी तरह से इसको खाना होगा जैसे मैंने आपको बता रखा है। तो इसे 2 से 3 महीने तक खाइए, 2 से 3 महीने बाद आपको लाभ निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये आयुर्वेद कह रहा है। तो फिलहाल मैंने इस उपाय को करना शुरू कर दिया है, आप भी करना शुरू कर सकते हैं जब आपका कोर्स टीबी का पूरा हो जाएगा। तो फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।